God, my parents, and of course the director, Mr. UK. And it's a lovely movie. And मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनी है एंड आई लव द मूवी द सस्पेंस एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज गो एंड वॉच द मूवी नेवर गिव अप इट्स अ रिवेंज स्टोरी इट्स थ्रिलर सस्पेंस सो हूएवर लव्स थ्रिलर यू मस्ट वॉच मेरा किरदार मेन लीड है जेनेट एंड आप सब देखिए और बताइए कैसा लगा मुझे खुद को तो बहुत ही अच्छा लगा और डायरेक्शन इज सुपर्ब एंड आई लव माय कैरेक्टर बिल्कुल मेरे ऑपोजिट कैरेक्टर मुझे मिला था एंड इट वाज अ चैलेंज फॉर मी तो यस आई टुक इट अप एंड लव वर्किंग विद मिस्टर यूके एंड आई रियली लाइक द मूवी थैंक यू हाँ इससे पहले मैंने मूवी डायरेक्ट की है खुद नन्हे फरिश्ते जिसको हरे रामा हरे कृष्णा प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है और मेरा ब्रदर है जो प्रोड्यूसर है अर्जुन महाजन उन्हीं की प्रोडक्शन है ये ही इज़ एन एक्टर ऑल्सो एंड सून ये मूवी रिलीज होगी एंड अभी मैंने दो स्क्रिप्ट खुद लिखी है आई एम अ राइटर ऑल्सो मे बी बिकॉज माई ग्रैंड फादर हु इज़ अ फेमस कार्टूनिस्ट प्राण उनकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे पे एंड आई राइट सो आई हैव रिटन फ्यू स्क्रिप्ट्स एंड सून इट विल बी कमिंग इट्स कॉल्ड अपराजिता द अनडिफीटेबल कर्मा आपके नाम के साथ बताइए किस तरह की फिल्म है जो आज आपने देखी उसके बारे में कुछ जानना चाहें मेरे नाम के साथ पहले अपना नाम अच्छा हेलो एवरीवन मेरा नाम अक्षता है और इस मूवी में मेरा जो किरदार है वो एज कैंडी है और वो थोड़ी गुस्से वाली है सॉरी बहुत गुस्से वाली है एंड एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज मेरी मूवी रिलीज हुई है सो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी एंड हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद सच गुड एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स आई फील वेरी लकी दैट आई एम वर्किंग विद यूके सर एज ही इज माई डायरेक्टर एंड इट वॉज एक्चुअली हार्ड टू वर्क विद हिम बिकॉज ही इज एन एंग्री मैन it's really hard to please him on the sets but when actually we give a good take so you can hear a like good cut like cut दर्शक कैसे देखने जाएं क्या है फिल्म में कुछ खास बताइए आप तो आज आपने देख ली अपनी फिल्म खुद भी मैंने तो देख ली है तो ये एक रिवेंज स्टोरी है नॉट लाइक एग्जैक्टली लाइक अदर मूवीज बट उन लोगों बाकी मूवी से थोड़ी सी हटकर है लाइक स्क्रिप्ट हमारी मर्डर मिस्ट्री है रिवेंजफुल है बट ये बहुत कॉमन मर्डर मिस्ट्री नहीं है लाइक इट हैज सम मसाला ड्रामास इट्स अ मोर लाइक अ ड्रामेटिक मूवी दर्शकों से क्या कहेंगे दर्शकों से ये कहूँगी कि अब आप प्लीज़ आइए और देखिए और थोड़ा सा हमें भी सक्सेस दिलवाइए हेलो माय नेम इज़ पीयूष घर से मर्डर मिस्ट्री है थ्रिलर है और बहुत अच्छे तरीके से उन्मेश काबरे जी ने उसको राइट किया है मेन मर्डर मिस्ट्री के ऊपर मेरा एज अ म्यूजिशियन मेरा उसमें कैरेक्टर है जो कि मेन दो लेडीज़ हैं उनके बीच में रहता है और एट लास्ट तक वो एक बंदा जो है जो बचा रहता है एज दिस इज़ माई फर्स्ट मूवी और जितना मेरे को सपोर्ट मिला बाकी कास्ट से और जितना डायरेक्टर से तो बहुत सही चीज़ थी और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे सर से मेरे सारे को एक्टर्स से वो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया एक अच्छा एक फ़न जर्नी था वहाँ से स्टार्टिंग से अभी तक का मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग खड़े हैं मुझे थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड अच्छा एक्सपीरियंस है पहली बार है बस मेन चीज़ ये कि उसका जो नाम जैसा कि दिया हुआ नेवर गिव अप तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको रहेंगी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगी तो आई होप कि आप लोग जाएं जल्दी और देखें और मैसेज यही कि जस्ट नेवर गिव अप एंड लव टू ऑल बस मैं मित्तल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बोल रहा हूँ मैं उसमें मैनेजर हूँ और प्रोप्राइटर भी हूँ दोनों काम मैं संभालता हूँ ये फिल्म नेवर गिव अप देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म शायद इंग्लिश में होगा लेकिन जब पूरी फिल्म मैंने देखी त
तब मुझे एहसास हुआ कि ये फिल्म इंग्लिश में सिर्फ बोल हैं थोड़े थोड़े, बाकी पूरी फिल्म हिंदी में है और इतनी अच्छी फिल्म बनी थी, इतनी अच्छी बनी है कि मैं कह नहीं सकता। सस्पेंस, थ्रिलर, ये देख के मैं थोड़ा सा दंग रहा। और दंग रहने के बाद फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर को कि भाई ये पिक्चर मार्केट पकड़ सकती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा थिएटर होगा मैं आपको ये फिल्म में दूँगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने सोचा था कि 100 थिएटर में इसे रिलीज करूँगा ऑल ओवर इंडिया, लेकिन आज इतने बुकिंग आई है थिएटरों से कि 250 बुकिंग करनी पड़ी मुझे ऑल ओवर इंडिया में। आज के मिड डे में, नव भारत में, सभी में छपा हुआ है, एक एक सेंटर में 20-30 थिएटर्स हैं इस फिल्म का। बस मैं ये कोशिश करूँगा इसी तरह से आपका आशीर्वाद बना रहे और इसी तरह से रेगुलर हमेशा मैं फिल्में हर महीने में, अभी तो 2 कर रहा हूँ, हर महीने में 2-2, 3-3 फिल्में करूँ ताकि आपका सहयोग प्राप्त होए और आपको अच्छी से अच्छी फिल्में दे पाऊँ। धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि नई फिल्में जो हैं वो नए लड़के होते हैं, नई लड़कियां होती हैं, उन्हें झेल पाना मुश्किल तो होता है, लेकिन उनका प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। उनका पब्लिसिटी अगर अच्छा होवे और प्रमोशन अच्छा होवे तो हर, आज जितने भी बड़े स्टार हैं वो भी पहले नए थे, लेकिन पहले का ज़माना कुछ और था, आपका ज़माना कुछ और है। आपका ज़माना सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पर अच्छा काम हो जाए तो लोग प्रचलित हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। उसी तरह से थोड़ा सा फेमस करने के बाद फिल्म को रिलीज करता हूँ मैं अपने तरीके से। हाँ, फिल्म तो देखी है मैंने, अभी पिछले बार भी कहा आपको कि ये फिल्म देखी मैंने। शुरू में देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये इंग्लिश मूवी होगी, क्योंकि नाम टाइटल से ऐसा लग रहा है कि फिल्म इंग्लिश है, और देखा होगा आपने डिज़ाइन भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इंग्लिश की फिल्म हो, लेकिन ये इंग्लिश फिल्म नहीं है, ये हिंदी है, प्योर हिंदी फिल्म है। और अच्छा प्रसाद मिल रहा है मुझे ऑडियंस से, और ऑडियंस मुझे विश्वास है कि और ऑडियंस इसे ज़्यादा पसंद करेगी। थैंक यू, धन्यवाद। मूवी इज़ रियली ग्रेट, अभी जस्ट देख के आया हूँ, और ये मेरी सिस्टर की मूवी है पिक्सी महाजन, एंड माय नेम इज़ अर्जुन महाजन, मैं भी एक्टर हूँ। तो मूवी में दीदी ने बहुत अच्छा काम किया और ओवरऑल मूवी फुल ऑफ सस्पेंस, सो डेफिनेटली यू ऑल शुड वॉच द मूवी। वन सेकेंड, कम इज अ ट्रेमेंडस जॉब इन द मूवी। थैंक यू, आई लव माई कैरेक्टर, एंड प्लीज गो वॉच नेवर गिव अप, एंड द टाइटल सेज नेवर गिव अप, नेवर गिव अप इन लाइफ, एंड इट इज़ अ गुड मैसेज and a lovely story. You would love the script and the direction and our acting as well, so please go watch Never Give Up. Thank you. बहुत अच्छा लगता है, एंड यस, मम्मा पापा सब आए हैं देखने, एंड ब्रदर जो ऑलरेडी एन एक्टर है, ही इज़ सीनियर टू मी इन एक्टिंग, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, बहुत सीखा है, और अच्छा लग रहा है जब मेरी तारीफ हो रही है ये सुनकर कि आई हैव वर्कड गुड इन द मूवी, एंड यस, इट्स हार्ड वर्क, एवरी वन हार्ड वर्क, टीम वर्क है, एंड ऑलवेज इट पेज, योर हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, सो एंड नेवर गिव अप।